वीर उठ, फाइट फाइट वीर। मुझे पता है सब, तू जानबूझ के कर रहा है, तेरी चाल है। मैं इस बार तेरी चाल में फंसने नहीं वाला भाई, मैं तो नहीं लड़ रहा हूँ। आजा ले मार। ये सच है, कोई टेस्ट नहीं। इन इनका जितना खून बहेगा ये उतना बढ़ेंगे। लड़ वीर लड़। क्या कर रहा है वीर, लड़। अरे कैसे लड़ू यार, मेरे पास तो रिंग भी नहीं है। नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। तूने अब तक क्या सीखा है वीर? खुद पर यकीन कर, खुद की ताकत पर यकीन कर। मैं खड़ा हूं ना, कभी लेदर खाया है? अगर मेरे पास रिंग होती ना तो बताता। अभी तेरे पास नहीं है, फिर सोच ले मारेगा या मरेगा। चलता यार, याद रहे इनका खून नहीं गिरना चाहिए। इस अंगूठी वाले ने मेरे भाई का कान उखाड़ा था, मैं इसके हाथ उखाड़ दूंगा। लेकर जाऊंगा वो अंगूठी और इसका सर असुर श्रेष्ठ को भेंट करूंगा। Oh!
बोला था नो मीन्स नो। मिल गया सलूशन। हो गया। क्या हुआ? देखो जारा, ये जो डिवाइस है ना, वो मेरे सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है। अब इसके थ्रू तुम्हारी वॉइस बिल्कुल हीरो की तरह साउंड करेगी। रियली? या एक सेकंड। बोलो बंटू। ये इट्स टाइम फॉर एक्शन। आज हम उन एलियंस को छोड़ेंगे नहीं। कौन हो तुम? देख मजाक का टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे सच जानना है कौन हो तुम और तुम इन नजरों को ऐसे कैसे मार सकते हो? हाँ, वो जो कुछ भी तूने मुझसे बोला था, कहा था, वो सब झूठ था ना? मानसरोवर तक पहुंचना, रिंग का मिलना, मुझे तो नहीं दिख रही यहाँ पर रिंग। हाँ, कहाँ है रिंग? एक बात तो मैं सच कह रहा हूँ, वो भी कब से। झूठ बोलना अपना स्टाइल नहीं है। ओ, शिवाय! ए, शिवाय! मैंने कहा था जब मानसरोवर पहुंचेगा उसके बाद मिलेगी तुझे तेरी रिंग। तो कहाँ है मेरी रिंग? यही है। मैंने कहा था ना कि झूठ बोलना मेरी स्टाइल नहीं है। ये लो तुम्हारी रिंग। टाइम से रिंग तेरे पास थी और तू मुझसे झूठ कह रहा था। मैंने एक बार भी झूठ नहीं बोला, तुम समझ नहीं पाए, पर कोई बात नहीं, ये जर्नी तुझे तय करनी थी। ये रिंग तेरी है, तुझसे जुड़ चुकी, इसलिए तो ये शुक्र ग्रह से निकल कर आई, कोई एलियन से रोक नहीं पाया, क्योंकि इसका असली मालिक तू है। देख रहे हैं बॉस, इसके चेहरे पे अब जाके असली स्माइल आई, गायब होने से जस्ट एक सेकंड पहले। ये तो सच में मुझसे जुड़ गई है।
ओके कोई बात नहीं, चल इतना तो बनता है। बनता तो इससे ज्यादा है। बनता यह है कि अब तुझे मेरे सारे सवालों के जवाब देने होंगे। ओके एंड एक्शन। मेरे प्यारे शहरवासियों, सिर्फ इतना बताना था दैट हीरो इज बैक। और हाँ, अगर किसी ने कोई गड़बड़ की तो हीरो आएगा। ये! कैसा था? कैसा था? बहुत अच्छा। मेरे प्यारे शहरवासियों, सिर्फ इतना बताना था दैट हीरो इज बैक। मेरे प्यारे शहरवासियों, सिर्फ इतना बताना था दैट हीरो इज बैक। मेरे मन में कई प्रश्न हैं, लेकिन उत्तर किसी एक का भी नहीं। ये हीरो आखिर अचानक आया कहां से और अब कहां पे है? इसे शीघ्र ही पकड़ना होगा सिक्का, और उसे पकड़ने के लिए हमें कुछ ऐसा बड़ा करना होगा कि वो अपने आप बाहर आ जाए। इस चूहे को बिल से निकालने का खतरनाक तरीका है, और ये एक बार हाथ लग गया तो मायावी अंगूठी भी असुर श्रेष्ठ की होगी। जब तुझे पता था कि रिंग मुझसे अटैच हो चुकी है, तो फिर मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया? अपने साथ इस जर्नी का हिस्सा मुझे क्यों बनाया? अरे पहले ही देते ना मुझे रिंग, फिर अपना ज्ञान देता। विल पावर, एंड्योरेंस, लीप ऑफ फेथ, इतना एक्शन कराने की क्या जरूरत थी? अगर ऐसे ही बता देता तो सीखता क्या? डॉक्टर जब बिना फीस लिए दवा देता है ना, तो कोई इसे सीरियसली यूज नहीं करता। जहां वो पैसा लेता है, तो लोग विटामिन को भी शिद्दत से खाते हैं। तेरे अंदर पावर है, मैं वो बताता, मानता? नहीं मानता। याद है कितनी बार बोला है मैंने तुझे? हर बार। लेकिन तूने क्या किया? मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तू क्या करा रहा है? लेकिन फिर मैंने तुझे उलझाया। तू उलझा भी, लेकिन तू उलझ के सुलझ भी गया, सीख गया, वो भी बिना रिंग के। तुझे मेरी इतनी चिंता क्यों है? अरे बोला ना, ऑर्डर्स मिले हैं मुझे तुझे सिखाने के लिए। एक्चुअली मैं तेरा गुरु हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए मैं तुझे ऐसे बात करने देता हूँ। वरना आया तो मैं हूँ तुझे सिखाने, तुझे बताने, तुझे बदलने। देख रिंग तेरी है, ये और किसी के पास नहीं रुकेगी सिवाय शिवाय के। गुस्सा क्यों हो रहा है? फिर सोचने लगा तू? सिंपल है, रिंग तेरी है, बस तुझे इसके लायक बनना है। और तू मुझे इसके लायक बनाएगा, इसलिए तो मैं आया हूँ। और इसीलिए तो तेरे अलावा ये रिंग सिर्फ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अच्छा चल एक काम करते हैं, थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। तुझे क्या लगता है कि ये रिंग तुझे ऐसी दे दी जाएगी? हाँ, थोड़ी सी ताकत मिल जाएगी, शक्तियाँ मिल जाएंगी, गायब होने लगेगा तू बस। नो ब्रो, इस रिंग की इतनी सी कहानी नहीं है। गाड़ी देखिए, गाड़ी में बैटरी होती है। जब गाड़ी चलती है तो बैटरी चार्ज होती है, और जब वो चार्ज होती है तो गाड़ी स्टार्ट होती है। वैसे ये रिंग है, जैसे तुझे इस रिंग से पावर मिलती है, वैसे इस रिंग को तुझसे पावर मिलती है। इसलिए ये रिंग वही पहन सकता है जिसे हैंडल करने की इसमें पावर है। उसे सिर्फ वही पहन सकता है जिसमें उसे हैंडल करने की शक्ति हो। मतलब सुभाष, जो दिल का साफ, जो अपनी सच्चाई से सभी बुराइयों को अच्छा कर दे, एक असली हीरो। ब्रो, इंसान रिंग से नहीं, अपनी चॉइस और अपने एक्शन से हीरो बनता है। तूने भी तो चूज किया था रिंग एलियंस को दे दी, किस लिए? ताकि तेरे अपने बचे रहे। अंगूठी को जितना पावरफुल आदमी पहनेगा,
उतना ही ज्यादा ये पावरफुल बनेगी। अब तो खुद सोच कि तू बिना रिंग के कितना पावरफुल बन सकता है। बनना चाहता है ना, तो बस ब्रो, तो फिर टारगेट सेट कर। एक बार तू उस टारगेट को अचीव कर ले, फिर ले लेना रिंग, पहन लेना। तू रिंग के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है? और जब रिंग मुझसे अटैच हो चुकी है तो फिर क्या रीजन है कि तू उसे कंट्रोल कर रहा है? मेरे पास आओ दोस्तों, तुम लोगों को मैं रिंग का किस्सा सुनाता हूँ। अच्छा, हैवी इन्फॉर्मेशन है बेटे लाल, ध्यान से सुनना। इस अंगूठी को शुक्र ने बनाया असुरों के लिए। तारकासुर का नाम सुना है? हाँ, इंडियन माइथोलॉजी में सुना है मैंने। तारकासुर के तीनों बेटे देवताओं को बुरी तरह से हरा रहे थे। देवता गए महादेव के पास और महादेव ने क्या किया, पूरा का पूरा प्रोग्राम अपने हाथ ले लिया। ठीक, अब क्या है कि जो शुक्र है वो है महादेव के बहुत बड़े भक्त। अब वो कैसे लड़ेंगे महादेव से? इसीलिए उन्होंने इस अंगूठी का इस्तेमाल किया और वो गायब हो गए। पूरे त्रिपुर को छुपा दिया उन्होंने। वो सिर्फ अकेले गायब नहीं हुए, पूरे त्रिपुर को उन्होंने छुपा दिया, गायब कर दिया। मालूम है क्यों? क्योंकि शुक्राचार बहुत शक्तिशाली है, पावरफुल है वो, और उसको पता है कि अंगूठी को कैसे कंट्रोल करते हैं। और ऑनेस्टली बताऊं तो तू शुक्राचार जितना पावरफुल तो बिल्कुल भी नहीं। मालूम है क्यों? क्योंकि तेरा दिमाग और ये तेरी विल पावर स्ट्रांग नहीं। फिर महादेव ने क्या किया? महादेव को क्या करना था, असुरों की लेनी देनी कर दी, सब खत्म, खलास। उनकी एक तीर पे सब फिनिश। शिवजी तो शिवजी हैं, उन्हें आ गया गुस्सा और फिर उन्होंने अपना एक स्पेशल तीर निकाला और फिर त्रिपुर हो गया भस्म। ये कहानी मुझे पापा ने बचपन में सुनाई थी। क्योंकि ये कहानी सबसे इंपॉर्टेंट है वीर, इसी कहानी में छुपा है इस रिंग के सबसे पावरफुल होने का पूरा राज। और इसी कहानी के शुरुआत में है एक बहुत बड़ा प्लान, द मास्टर प्लान, शुक्राचार्य का प्लान, इस रिंग को इनविंसिबल बनाने का प्लान। मतलब याद कर, ऐसा क्यों हुआ कि पूर्णिमा की रात को तू अंगूठी पहना हुआ था, उसके बाद भी तू कमजोर था, तू ये सब देख पा रहे थे? ये क्या, मैं थोड़ा थोड़ा दिख रहा हूं बट कैसे? और फिर महाशिवरात्रि के दिन जब तू दंश से फाइट कर रहा था, तेरे अंदर पावर आ गई, ऐसा लग रहा था कि तुझे कोई छू नहीं सकता, तुझे हराना इम्पॉसिबल था। क्यों? जो समझ ना आए उसे समझाए, योर ट्रूली शिवाय। तो हुआ यूं कि महादेव के वार से पूरा त्रिपुर हो गया बर्बाद, लेकिन ये अंगूठी शिव जी से छू गई। और जैसे ही ये असली अंगूठी शिव जी से छुई, इसकी ताकत नेक्स्ट लेवल पहुंच गई और इस रिंग को इतना पावरफुल भोलेनाथ के अलावा और कोई नहीं बना सकता। जय महादेव। और तू भक्त इसका है? भोलेनाथ का। हाँ, तू नेक है, तेरे अंदर कोई छल नहीं है, इसलिए तुझे चुना गया इस रिंग के लिए। यू आर द चोजन वन। महादेव के आशीर्वाद से इसकी ताकत बढ़ गई और ये बन गई इनविंसिबल। इसे कोई नहीं हरा सकता क्योंकि अब इसमें स्वयं भोलेनाथ का वास है। और पता है ये सारा प्लान किसका था? किसका? शुक्राचार्य का। What? आया ना कहानी में ट्विस्ट? शुक्राचार्य जानबूझ के असुरों से तबाही मचवा रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि भोलेनाथ स्वयं आएंगे असुरों को हराने, और जब वो आएंगे वो ये रिंग छू देंगे और ये रिंग बन जाएगी सबसे शक्तिशाली। शुक्राचार्य ने सैक्रिफाइस किया पूरा त्रिपुर अपने बड़े प्लान के लिए,
असुरों की भलाई की, छोटा सा बलिदान ताकि वो पूरे ब्रह्मांड पूरे यूनिवर्स में राज कर सके इस रिंग की हेल्प से। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।